नमस्कार साथियों, वे देख रहे हो YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं नए रिक्रूटमेंट नए भर्ती के बारे में। साथियों, पशुधन प्रचार अधिकारी के 1083 पदों पर ये भर्ती आने वाली है बहुत ही जल्दी, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। पशुपालन विभाग में ये भर्ती आने वाली है, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहिए हमारे साथ में। और ये देखिए साथियों कि छोटे न्यूज है कि पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में खाली पदों को जल्द भरे, ये कहा गया है धर्मपाल जी के द्वारा। और पशु चिकित्सा सेवा के 424 तथा पशुधन प्रचार अधिकारी के 1083 पद खाली पड़े हैं और ये बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। पूरी डिटेल्स इसमें देखिए साथियों कि पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि विभाग में खाली पदों को जल्द भरने की कार्यवाही की जाए। जिन पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है उनसे समन्वय बनाकर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए, साथ ही विभाग में लंबित पदों का जल्द जारी की जाए। मंत्री ने ये निर्देश बुधवार को विधान भवन स्थित कक्ष में समीक्षा के दौरान दिए गए हैं। और अधिकारियों ने बताया कि पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 तथा पशुधन प्रचार अधिकारी के 1083 पद खाली है और दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 तथा राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 209 पद खाली है। मंत्री ने कहा कि काम की जरूरत के अनुसार समूह ग के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से काम लिया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित राशि जल्द जारी की जाए, लक्ष्य बनाकर बजट का सदुपयोग करें। उन्होंने निर्देश दिया कि गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए राशि व जिला योजनाओं के लिए आवंटित राशि को जल्द जारी किया जाए। और पशुधन मंत्री ने कहा कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट में शिकायतें मिली है, इनकी जाँच कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। ठीक सर, तो कहने का मतलब ये है कि पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में बहुत ही जल्द पशु चिकित्सा सेवा और प्रचार अधिकारी के ये वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है सर, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ये बहुत जल्द भर्ती आने वाली है पशुधन प्रचार अधिकारी और पशु चिकित्सा के पदों पर, जिसमें 424 पद पशु चिकित्सा सेवा के हैं और 1083 पद पशुधन प्रचार अधिकारी के। ये बहुत ही जल्दी आपको ये भर्ती आपके सामने देखने को मिलेगी। ये जो भी बेरोजगार साथी पशुपालन विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में शेयर कर दे। और अगले अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।